ਹਉ ਪੁੱਠੀਆਂ ਰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ ਵੈਰ ਨੇ ਡੱਬ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਛੜਾਤਾ ਵੈਰ ਨੇ ਇਨੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ ਵੈਰ ਨੇ ਡੱਬ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਛੜਾਤਾ ਵੈਰ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜੱਟਾ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਨੀ ਕਹਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨੀ ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨੀ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਰੁਕਦੀ ਨੀ ਵੇ ਪਾਟੀ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਨੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖਾਤਾ ਵੈਰ ਨੇ ਨੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਲਾਈ ਜਾਨੀ ਐ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਲਾਈ ਜਾਨੀ ਐ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੀ ਮੂੰਹ ਮਰਦੇ ਨੀ ਮੂੰਹ ਮਰਦੇ ਨੀ ਮੂੰਹ ਸੁਣੀ ਜਮੀ ਆਈ ਸੋਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਤੇਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਜਮੀ ਆਈ ਸੋਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਕਰਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਹਿਰੀ ਬੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਪਿਆਈ ਜਾਨੀ ਐ आज पकड़ी गाड़ी ऐसे ही है तीन महीने लाल पे लेट गया हेलो सो वेलकम बैक टू द चैनल आप देख रहे हो प्रभु सिंह की एक और नई वीडियो सो आज हम आए हैं पृथ्वीकार एसेसरी जो कि अपना करोल बाग में है हमारे साथ भाई भाई नाम बताइए अपना सौरभ भैया सौरभ भाई हमारे साथ है आज हमारी गाड़ी रहने वाली है न्यू 2023 थार हाँ जी महिंद्रा थार 4x2 हाँ जी बेस मॉडल क्या बात है मतलब सारे बेस मॉडल करने के हाँ जी बिल्कुल ठीक है तो फ्रंट में क्या क्या लगाया मतलब पूरी बेस कर बेस से टॉप कर रहे हो पूरी पूरा बेस से भी टॉप से भी ऊपर कर रहे हैं जैसे हमने पिछली वाली गाड़ी बनाई थी हाँ हाँ बिल्कुल वैसी अपनी डिटो सेम बनने वाली जो ब्लैक वाली हमने की थी चलो ठीक है फ्रंट से स्टार्ट करते हैं फ्रंट में क्या क्या लगाया फ्रंट में हमने सबसे पहले इसमें ग्रिल चेंज कर दी है ओके ठीक है उसके बाद इसमें हमने हेडलैम्प चेंज कर दिया है जो कि मर्सिडीज डिजाइन रहने वाला है ये लिमिटेड स्टॉक है अच्छा ये मतलब आपके पास और एक बंदों के पास हाँ, ही बस बस कुछ ही लोगों के मतलब ज्यादा अपने ज्यादा या वो नहीं है और ज्यादा गाड़ियों में भी आपको नहीं दिखेगी लेटेस्ट डिजाइन है कितनी सुंदर लग रही है यार मतलब DRL BS के अंदर लो बीम सब कुछ है हाँ छोटे हाँ छोटे दो प्रोजेक्टर भी हैं इसके हाँ जी रोशनी इसकी बहुत अच्छी है थ्रो मैंने इसका जो देखा है हेडलैम्प का बाकी के हेडलैम्प के मुकाबले इसकी थ्रो बहुत अच्छी है जो इसकी पहले वाली ग्रिल थी वो कहाँ पे ये रही बेसिक वाली जो है ठीक है मतलब रेड कलर मिल जाता है अपने पास हाँ जी रेड कलर मिल कोई भी गाड़ी ले वो सब मिलेगा कोई भी कलर है ये तो नहीं पेंट कराना नहीं नहीं, नहीं कलर ये अवेलेबल है प्रॉपर इसी का कलर है आप कलर है? में भी देख सकते हो कोई फर्क नहीं है मतलब 0-0 रहने वाला कोई 19-20 का गैप नहीं रहने वाला ठीक है उसके अलावा इसमें हमने फेंडर डीआर लगा दिया जो कि स्मोक कलर में रहने वाला है ठीक है उसके अलावा इसमें हमने हमर लाइट लगाया है येलो कलर का हमर लाइट लगाया हमर लाइट भाई देख सकते हो 4 में लगाया हुआ है और अपनी लाइट भी देखो वर्किंग पूरी ओके रिपोर्ट ठीक है नीचे कौन से प्रोजेक्टर लगा दिए नीचे हमने क्रिस्टल आई का लगाया ये कटिंग वाला प्रोजेक्टर थोड़ा अलग डिजाइन का रहने वाला है अच्छा अपना इंडिकेटर ऐसे वर्किंग रहने वाला है अभी कनेक्शन कर रहे हैं तभी तेज चल रहा है ना हाँ जी वो पीछे का अभी टेल लैंप खुला हुआ है ओके, अभी ओके, काम ओके। चल रहा है ना पीछे ओ भाई साहब डिपर देखो कितना शानदार है ये तो आंखें चीर देगा पूरी बहुत अच्छी रोशनी है इसकी जो हेडलैम्प हमने लगाया ना ये हाँ। ये भी नेक्स्ट लेवल रोशनी है इसकी जो हमने देखा इसका वही तो कह रहा हूँ चीर देगा फिर तो चीरती हुई जाएगी आंखों बहुत अच्छी थ्रो है इसकी अंधा तो नहीं हो जाएगा आगे वाला नहीं यार मैं कोई भी नहीं होगा ठीक है भाई एक बार भाई को कहूंगा फॉग लाइट बंद कर देना फॉग लाइट भाई फॉग लाइट बंद कर दो सारी बंद कर दो हाँ ये हमने कटिंग वाला प्रोजेक्टर लगाया इसके अंदर क्रिस्टल आई का रहने वाला है ये क्रिस्टल आई का कटिंग वाला प्रोजेक्टर है हाँ जी ठीक है मतलब इसके अंदर ऊपर नीचे ये क्या कट बना हुआ है ना हाँ ये कट बना हुआ है थोड़ा शेप इसका ऐसा है ओके ये हाँ। जलाना ब्लू लेंस रहने वाला ना ये हाँ जी ये इसका लो बीम जल रहा है फॉग लैंप का भी और हेड लैंप का भी ठीक अच्छा यहाँ पे नीचे शेप बना के हो जाता हाँ ये नीचे देखो आप ये सबसे पहले ये जो छोटी प्रोजेक्टर है ना इसकी इसकी भी यहाँ पे है अच्छा ये अपना ऊपर कट बना हुआ है वो नीचे है ये लो बीम है ऊपर जा रहा है और ये अपना जा रहा है इसका हेड लैंप का हाई बीम ठीक है भाई ठीक है फॉग लैंप का भी ओके और ये छत पे क्या लगा दिया उस्ताद जी छत पे इसमें हमने यूफो लाइट लगाया भाई जो पिछले वीडियो में लगाया था मतलब हर भाई हर थार में यही गाड़ी में अच्छी लगती है हाँ यूफो लाइट अच्छी लगती है वो हमर लाइट भैया कह रहे थे गोल वाली लेकिन वो नहीं अब उसका ट्रेंड चला गया मतलब वो दूसरे लिए अच्छी लगती है यूफो अच्छी लगती है तो हम क्रिस्टल आई वाली आती है हाँ जी ओके ठीक है 4x2 रहने वाली है तो भाई ये तो बेस मॉडल था इसमें आपने ये इंस्टॉल कर दिया हाँ जी इसका हमने नॉर्मल जो डंडे थे वो हटा करके फुटरेस्ट लगा दिया ठीक है अच्छा इसमें जो वो पाइप वाले जो हाँ पाइप वाले आते हैं तो पाइप वाले को इंस्टॉल करके ये इंस्टॉल कर दिया हमने ये बस चढ़ के दिखाओगे हाँ जी बिल्कुल हिल रहा है यार ये तो हिलता ही है पिछले वीडियो में भी आपको दिखलाया था थोड़ा सा हिलता है ज्यादा नहीं हिलता है ठीक है ओके उसके अलावा इसमें हमने हैंडल ब्लैक पियानो लगाया ओके ये हाइड्रो डिपिंग या नहीं हाइड्रो डिपिंग नहीं किया इसके ऊपर हमने पेस्टिंग किया अच्छा पेस्टिंग कर दिया मतलब गाड़ी लुक इनहेंस करने के हाँ जी बिल्कुल ठीक है उसके अलावा इसमें हमने फेंडर पे भी ऐसे लगा दिया ओके
उसके अलावा इसमें हमने 360 डिग्री का प्रॉपर इंस्टॉल किया है। प्रॉपर इंस्टॉल भाई क्या हुआ था, मतलब ये तो गाड़ी फिर नेक्स्ट लेवल बनने वाली है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है भाई आओ एक बार पीछे। अलॉय भी लगा दिए। हाँ जी अलॉय व्हील भी लगा दिया एमआरएफ के टायर के साथ। ठीक है उसके अलावा इसमें मड फ्लैप इंस्टॉल, मड फ्लैप लगा दिया भाई। अलॉय में तो वो अपना व्हाइट वाला आता ना स्टील रिम, हाँ जी हाँ जी स्टील रिम था, तो इसको हमने हटा करके ये टायर के साथ अलॉय व्हील लगा दिया। मेरे को लग रहा भाई सिर्फ थार ही थार करता है, कुछ करता ही नहीं है यार। नहीं नहीं पहले ग्रैंड विटारा आ रही थी बीच में, पता नहीं क्या हो गया। सारी गाड़ियां करते हैं, सारी करते हो। हाय हे क्या बात है। फिर उसके बाद हमने इसमें 4x4 का स्टिकर भी लगा दिया, रियल व्हील ड्राइव हटा करके बिल्कुल सफाई से हटा करके उसको बिल्कुल साफ सुथरा करके। हाँ यहाँ पे वो होता ना अपना रियल व्हील ड्राइव, यहाँ पे लगा हुआ रहता है रियल व्हील ड्राइव, उसको हटा करके इसको हमने बहुत अच्छे से सफाई करवा के उसके बाद लगवा दिया है। मैं छू के देख लूँ? हाँ हाँ देख लो बिल्कुल। हाँ भाई सही है, भैया कह रहे थे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। 4x4 यहाँ पे बैजिंग दे दी, मतलब बाहर से 4x4 लगनी चाहिए गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंदर से बेशक 4x2 हो। चलो भाई ठीक है। और ये पीछे क्या लगा दिया? बैक में हमने टेल लैंप वही स्मोक वाला स्मोक में रहने वाली है इंस्टॉल किया। ठीक है भाई को बोलने में जला के दिखा दे। ये अपना फर्स्ट टाइम स्कैनिंग होगा रिफ्लेक्टर के साथ, दोनों सेम टू सेम है। अच्छा ठीक है ओके। इसके अंदर इंडिकेटर भी वर्किंग रहेगा? हाँ जी बिल्कुल इंडिकेटर भी वर्किंग है इसका। तो क्या मजेदार लाइट रहने वाली है अपनी। ये अपना एक्स में रहने वाली है? हाँ जी एक्स में रहने वाली है, एक्स में रहने वाली है। नीचे अपना रिफ्लेक्टर लगा दिया भाई ने, लाइटें होगी बंद। बीच वाला इंडिकेटर जला दो, जल गया। अब पार्किंग भी जला ही दो इसके बाद में। क्या बात है भाई क्या बात है, मजेदार। ये कितने की पड़ने वाली है लाइट? हाँ जी ये जो टेल लैंप रहने वाली है 7000 के रेंज की है बस। हाँ जी बड़ा सस्ता माल है यार। हाँ जी चलो भाई प्राइस भी बहुत अच्छे हैं यार ये पृथ्वी कार एक्सेसरी के, तभी हम यहाँ पे रोज रोज आते हैं बनाने। हाँ जी, वीडियो बिल्कुल, ये मत बोलना भाई यही बनाता रहता है। नहीं नहीं प्राइस अच्छे हैं तभी यहाँ आते हैं हम। हाँ जी तो भाई पीछे भी अपना अच्छा पांचों दिए अपने। हाँ सेट 4 दिए हैं, सेट ऑफ 5 पीस दिया हमने, 5 दिया 4 बाकी के। वो 360 का अभी सेटअप चल रहा है, अभी सारा सेटअप अंदर हो रहा है, बाद में करेंगे। पीछे भी पूरा पियानो ब्लैक का यहाँ पे रहने वाला है, हैंडल में हमने इसका पियानो कर दिया है। उसके अलावा इसमें हमने रियर कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। ओके ये भी 360 से वर्किंग है, 360 के साथ वर्किंग है। रिफ्लेक्टर भी हमने सेम डिजाइन रिफ्लेक्टर उसका लगा दिया है टेल लैंप के वाइज। ओके हाँ जी ये कैप अभी इसके अंदर बाकी। अच्छा तभी ब्लिंक कर रहा था जल्दी, अभी वो कनेक्शन चल रहा है, उसका काम चल रहा है अभी, लगे हुए हैं ये। ओके ठीक है ठीक है। ये भाई अभी थोड़ी देर बाद नाराज हो गए थे, कोई बात नहीं होता रहता है। ठीक है क्या हो गया है? तो भाई साइड में आप देख सकते हो, साइड में हमने कार्डी K3 इंस्टॉल किया हमने इसमें, K3 इंस्टॉल किया। हाँ ठीक है उसके अलावा इसमें हमने स्पीकर जाली भी इंस्टॉल किया है। अच्छा लाइट वाली K4 रहने वाली है ये। क्या बात है भाई इसमें भी लाइट जलती है। हाँ जी अभी जला के आपको दिखलाते हैं। क्या बात है, चाबी लगाओ। यूट्यूबर साहब क्या हाल चाल? बढ़िया भैया, दिखाने शक्ल तुम्हारी? अरे दिखा देते हैं यार, क्या हो गया? क्या नाम है तुम्हारे चैनल का? वाहन ऑटोमोबाइल। भाई को भाई शेयर करना ठीक है, बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता है, पर ये लाइट नहीं जला के दिखा रहा यार। हाँ ये जल गई, अपनी K4 में रहने वाली है ये। ठीक है अच्छा रिंग के साथ प्रॉपर जलने वाली है। हाँ जी इसमें जो वायरिंग करी है कोई कटिंग वटिंग? नहीं नहीं सारे प्लग एंड प्ले रहने वाले हैं। ओके हाँ जी उसके अलावा इसमें हमने छत चेंज कर दिया और इसमें भी हमने K4 लाइट इंस्टॉल कर दिया। ठीक है ठीक है। क्या इसके अलावा हमने इसमें साइड में भी इंस्टॉल कर दिया। मेरे को लगता है ऊपर वो भी नहीं आते स्पीकर भी नहीं आते? नहीं बिल्कुल स्पेस भी नहीं था, तो हमने इसमें ऊपर फ्लैप लगा करके उसके बाद उसमें एम्बियंस लाइट लगा करके और फिर इंस्टॉल किया इसको। गाड़ी भाई अभी पूरी खुली हुई है, देखो भाई टाई बेल्ट का पूरा यूज होता है यहाँ पे, एसी के पूरे वेंट भी चेंज कर दिए। हाँ जी और ट्रक आ गया पूरा भाई 360 यहाँ पे वर्किंग हो रहा है, भाई पूरा लगा हुआ है। पहले इनको फिटिंग करने देते हैं फिर उसके बाद पूरी हाँ जी लाइव वीडियो दिखाएंगे। बिल्कुल तो भाई आप देख सकते हो पीछे भी अपना कार्डी K3 की पूरी लाइट लगी है। वैसे कोई कहते हैं लाइट नहीं लगती हमसे, नहीं नहीं फिर भी तुम लगा के देते हो। बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा? हाँ जी भाई नाराज हो जाता है यार बार बार यार, आज पकड़ी फिर गाड़ी नहीं पकड़ी? कार पकड़े हो? पकड़े नहीं है ये यार, ये यूट्यूब सही है ऐसे। तो इसमें हमने एक और चीज़ लगाई है। क्या लगा दिया? जैसे इसमें एंटीना नहीं था तो इसमें हमने जेन्युइन महिंद्रा ये अच्छा वो कैप ढक्कन सा आता है इसके अंदर है ना, ढक्कन हटा करके हमने इसमें जेन्युइन एंटीना इंस्टॉल किया। वर्किंग है? हाँ जी वर्किंग है। क्या बात है, एक बार शॉट लेने इसका। क्या बात है, मतलब टॉप मॉडल बनाई थी यार। हाँ जी बिल्कुल, किसी ना किसी तरीके से ऊपर कर दिया, टॉप से ऊपर कर दिया। हाँ जी एक बार मैं इसकी रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। फिटिंग देख सकते हो भाई 360 एंगल की, मतलब कहीं से भी बाहर नहीं आ रहा यार, जहाँ लगना चाहिए वहीं लगा, प्रॉपर फिटिंग प्रॉपर। चलो ठीक है। उसके अलावा यहाँ स्लैब भी आ गया इंस्टॉल कर दिया। उसके अलावा ये हम बैजिंग अभी लगाएंगे जिससे हमारा प्रॉपर टॉप मॉडल लगेगा। ये हम भाई कह रहा है पैसे वसूल करने पूरे। कितने लाख की आ रही गाड़ी है? 13 लाख की है ना? 13 लाख की है ये बेस मॉडल 13। वैसे टॉप मॉडल कितने का है? 18 लाख का।
खुद के पास हार है उन्होंने पता ही नहीं है, देख रहे हो 10 लाख 10 लाख महंगी कर दी। 10 लाख है? नहीं 13 लाख क्यों सर? पेट्रोल है? चलो छोड़ो यार, कमेंट करके बताना कितने की और कितना डिफरेंस भाई ने कर दिया। मतलब यार मोटा मोटा 13 भी मान के चले ना, 13 से 18 कितना आ गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18 5 लाख। मतलब 5 लाख में ऐसा काम कर दिया। नहीं 5 लाख में नहीं, 5 लाख से भी ऊपर बना दी भाई ने गाड़ी। जी बिल्कुल, 4x4 की बैजिंग दे दी। 5 लाख में भी इतना कुछ नहीं आता, जैसे जो मैंने आपको लाइट वगैरह दिखलाया तो ये लाइटें नहीं आता है, बहुत सुंदर लगती है। आप 5 लाख स्पेंड करने के बाद भी आपको ये खर्चे पड़ते हैं। इसमें कोई चलान तो नहीं है ऊपर लाइटें? नहीं नहीं, इसमें कोई चलान नहीं है, वो पुलिस की लाइटों में रेड ब्लू पे है चलान, तो इसमें हमने चलान वाला कोई काम नहीं किया है। यार मेरे को बहुत सुंदर लग रही है लाइट, हेडलाइट ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट आई है ना, इसलिए आपको अच्छी लग रही है। इसमें बाइक के डिजाइन तो बहुत सारे अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। इसमें 4 कटिंग रहती है, ठीक है। ये अपनी कौन सी ग्रिल लगा दी हमने इसके? ये रैंगलर वाली ग्रिल लगाई हमने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आते हैं इसके अंदर। हाँ जी 7 स्लॉट। और इसका हमने फ्रंट कैमरा जो इंस्टॉल किया कर दिया है ग्रिल में। अच्छा, हिले ना भाई, टाइट बेल्ट प्रॉपर लगाई है भाई ने। ब्लैक कलर का टाइट बेल्ट लगा करके हमने प्रॉपर इंस्टॉल किया है ताकि हिले ना। पिछले बार हमने यहाँ पे लगाया था और यहाँ पे हमने इसका भी ये भी चेंज किया है, हमने मेटल वाला लगाया जो कि प्रॉपर फिटिंग में रहने वाला है। अरे क्या बात है भाई, पूरा प्रॉपर काम। हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ये हिल नहीं सकता है, ठीक है भाई। ओके गाड़ी फिर करो पैक। हाँ जी फिर मिलते हैं कुछ ही पलों में। हाँ जी ठीक है, गाड़ी का काम हो गया कंप्लीट? हाँ जी भैया अपनी गाड़ी कंप्लीट है बिल्कुल। तो भाई गाड़ी आप देख सकते हो कितनी जबरदस्त लग रही है, लाइटें लूटे लिशकारे मार रही है मजेदार। हाँ जी एक बार भाई सारी लाइटें ऑन करके दिखा दो, जलाओ जी। अरे क्या बात है, एक बार थ्रो चेक करो यार भाई। ये इसका सिर्फ फॉग लैंप जल रहा है, लो बीम जल रहा है भाई, देख सकते हो आप फॉग लाइट जल रही है, सिर्फ फॉग लैंप, हेडलाइट बंद है, सिर्फ लो बीम जल रहा है इसका, लो बीम जल रहा है। हाई बीम कर रहे हो? ओ भाई ये हाई बीम आप देखो इसकी भाई, मतलब प्रोजेक्टर लगाने का फायदा है पूरा। हाँ जी बिल्कुल, और इसके प्रोजेक्टर के आप व्यू देखो कहाँ तक जा रही है, बिल्कुल क्या बात है भाई, जबरदस्त व्यू देखो, पूरी आप लेजर लेजर थ्रू देखो कहाँ तक जा रही है भाई, बहुत दूर तक जा रही है वो, उस रोड से इस रोड तक पूरा प्रॉपर फ्रंट तक कैप्चर कर रहा है, क्या उस रोड तक, मजेदार भाई। हाँ जी बिल्कुल, क्या बात है, व्यू तो बहुत अच्छी है इसकी, बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रही है गाड़ी, मजा आ गया। अब ये हो चुकी है हमारी गाड़ी पूरी पैक। हाँ जी बिल्कुल, तो आओ पूरा ओवरव्यू दे दो गाड़ी में, पूरा काम हो चुका है या नहीं हो चुका? पूरा कंप्लीट है भैया, पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ साइड से स्टेप लग गया अपना, थार की बैजिंग लग गई, आती है वैसे भी, साइड में अपना एलॉय भी लग गया पूरे प्रॉपर। हाँ जी 18 इंची के। हाँ जी ठीक है भाई, साइड में ये भी अपना सारा काम हो गया, डोर का काम, 360 डिग्री वगैरह का सब काम, सारा अपना काम बाहर से सारा प्रॉपर हो चुका था। हाँ जी, और अपना अंदर से रहता था सारा। हाँ जी बिल्कुल, तो एक बार अंदर ही चलते हैं सीधा फिर, है ना? जी ठीक है जी, आओ। ये देखो कितनी मस्त लग रही है यार टेल लाइट, आओ एक बार अंदर ही चलते हैं, आप उधर से आओ, भाई को बाहर निकालते हैं, आओ बाहर। बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज तो पटके में, बहुत चलो कोई बात नहीं, पकड़ी आती है आपको माननी यार, हमें बस सिखाओगे। तो भाई यहाँ पे हमारी यहाँ लग चुकी है कार्डी के थ्री यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। तो भाई अपना इसके अंदर ये क्या लगा दिया स्पीकर में, बड़ी बड़ी सुंदर नहीं लग रही लाइट? भैया K4 हमने इसमें एम्बियंस लाइट लगाया। ओके साइड में K3 लगाई है, यहाँ पे K4 लगा दी। एक बार हाथ तो हटाओ यार, कोई लुक खराब हो रही है इसकी। भैया थोड़ा कह रहे थे इनहेंस चाहिए इसकी लुक, तो इसलिए K4 लगवाया है भाई, इधर K3 लगवाया, AC वेंट भी इसमें K3 वाला इसमें इंस्टॉल करवाया। ओके ठीक है, इसके अलावा इसमें हमने 360 डिग्री वाला सेटअप लगाया जो हमने पिछली थार में लगाया था। ठीक है, सेटअप में बाद में जाएंगे, पहले ओवरव्यू सारा खत्म करने दो। छत पे भी हमने K4 लगा दिया है, ठीक है, 4 पीस के साथ और 2 पीस फ्रंट पे, 6 पीस। और भाई पूरी देखो थार में, कोई बंदे कहते हैं भाई लगती नहीं है पीछे, ओ भाई कौन है तुम, सौरभ भाई पूरा यहाँ पे लगा के देता है, वैसे काजू भाई है छोटा सा नाम इनका। हाँ जी छोटा सा काजू है अपना ये। उसके अलावा भैया ने आर्मरेस्ट का भी रिक्वायरमेंट था, लेकिन भैया बोले हैं जो अगली बार इंटीरियर करवाने आएंगे, भैया को ये डैशबोर्ड वगैरह भी हेडो डिपिंग करवानी है, तो इसलिए भैया अगली बार आएंगे टाइम निकाल करके थोड़ा सा। ओके तो इसीलिए अगली बार आएंगे तो हम इसका आर्मरेस्ट वगैरह पे भी लेदर वगैरह लगाएंगे, उसी इंटीरियर वाइज करेंगे। ठीक है ठीक है। उसके अलावा इसमें हमने स्टेयरिंग व्हील लगा दिया है महिंद्रा जेन्युइन लेदर रैप कर दिया हमने इसमें, एसी वेंट लग चुका है हमारा। ओके ठीक है, इसमें भी भाई वो पूरा वर्किंग के साथ है। हाँ जी बिल्कुल, वर्किंग ये हॉर्न लगा दिया क्या छोटा सा? नहीं नहीं, ये छत वाला यूफो लाइट है, भैया को रेगुलर नहीं चाहिए था। ओके ओके ओके, तो हमने इसका कनेक्शन इससे दे दिया है। ओके भाई के रिस्पांस इसके आप रोशनी देख सकते हो यार, अपना भाई खड़ा है और पूरा भाई रिस्पांस हो रहा है यार, भाई को बोलो हटो यार, हट गया यार। हाँ जी अब लाइट ये देखो आप बिल्कुल बंद करो, आप बिल्कुल है उसके रोशनी बिल्कुल देखो आप कितनी अंधेरी है। अब देखो सिर्फ फॉग लाइट, सिर्फ फॉग लैंप का लोबी में ये भाई, वैसे कैमरे में कम दिख रही होगी भाई, एक्चुअल में बाहर ना बहुत ज्यादा ही है यार, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मतलब गाड़ी
फोग लाइट में आप चला सकते हैं उसको। हाँ जी बिल्कुल, कोई इसको वो अपने हेडलाइट वाले हेडलाइट जलाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ सुंदर लग रही है वैसे ही देखने। हाँ जी बिल्कुल, वैसे जला भी सकते हो भाई, पूरी लाइट अपने भाई देखो भाई, लाइट पूरा भाई काला से वाइट हो गया पूरा। बिल्कुल देखो आप कहाँ तक जा रही है भाई, बहुत दूर तक जा रही है, बस तक जा रही है वो, इतनी दूर बस तक है भाई। जूम करूं एक बार, वो देखो भाई साहब क्या बात है, मजेदार। हाँ जी आ गई, मजा आ गया लाइट का, लाइट अच्छी है भाई। पैसे वसूल, कस्टमर तो बताएंगे। ठीक है तो भाई इसके अंदर हमने कौन सा सेट आपने इसके अंदर इंस्टॉल किया? इसमें हमने जो पुराने वाली था, जो पहले वाली हमारे पास थार आई थी ब्लैक कलर के, उसमें हमने जो सिस्टम इंस्टॉल किया था एंड्रॉइड इसका ऑन कोड प्लस का, 6GB रैम प्लस अपना 64 इंटरनल और 360 सेटअप के साथ प्रॉपर था ये। उसके अलावा इसका व्यू देख सकते हो प्रॉपर कैलिब्रेशन के साथ। वो गाड़ी जा रही है ना सामने, आप देख सकते हो, अब देखो वो देखो भाई एंड बातचीत होगी यार, वो देखो भाई गाड़ी अंदर तक दिख रही है पूरी। ओए होए 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 होए, मजा आ गया भाजी यार, मजा आ गया। हाँ अब बताइए। उसके अलावा हमारा ये 360 वाला प्रॉपर सेटअप लग चुका है। ओके, इसमें आप फ्रंट व्यू देख सकते हो, ठीक है, ये रियर व्यू देख सकते हो, बिल्कुल क्लैरिटी साफ है, इतना जबरदस्त क्लैरिटी, आप क्लैरिटी देखो कैमरे में, इतना भाई वो नहीं हो रहा, फोकस नहीं हो रहा, वैसे बहुत जबरदस्त। ये अपना लेफ्ट हैंड का रहने वाला है। इंडिकेटर के साथ भी वर्किंग है, ये इंडिकेटर के साथ भी वर्किंग है, और वैसे आपको देखना है तो वैसे भी ये वर्किंग, ये अपना पीछे वाला है। हाँ जी ये रियर व्यू है। अब राइट वाला दे दिया तो अपना राइट वाला है ना ये? हाँ हाँ ये राइट वाला है, राइट है भाई मेरा। ठीक है भाई, लेफ्ट दे दिया तो लेफ्ट, इधर ये लेफ्ट वाला है हमारे शॉप के इधर का। ठीक है भाई, हाँ शॉप खुली हुई है, देख सकते हो भाई लेफ्ट में ग्रिल पड़ी हुई है अपनी, कहाँगी इंडिकेटर दो, इंडिकेटर राइट कर दे दिया मैंने, अब दूसरा कर दिया ना कैमरा आपने। हाँ जी। ओहो, करना है पर, अरे वो कहाँ गया फंक्शन, हाँ अब करो ना, अब आएगा। ये देखो भाई वो ग्रिल पड़ी हुई है हमारे शॉप पे, वो ग्रिल पड़ी हुई, वो देख सकते हो प्रॉपर। ये व्यू भी लेता जो है, ये पूरा पीछे तक ले रहा है भाई, पूरा पूरा घुमा करके व्यू ले रहा है। अब दरवाजा खोलना, इस साइड गाड़ी का देखो, वो लो जी क्या बात है, पीछे के टायर से लेके आगे के टायर तक व्यू पूरा दिखलाता है। क्या बात है भाई, क्या बात है, बिल्कुल। और एक बार फ्रंट वाला खोल देना एक बार इसको। हाँ जी, फ्रंट वाला जो रहने वाला अपना 6GB रैम रहने वाला, और 6GB रैम रहने वाला इसका, 64 इंटरनल रहने वाला है। और क्या बात, विद एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ, मजेदार। हाँ जी भाई देख सकते हो, फोर बाय टू अपनी। हाँ जी, इसकी प्लस आप टच वगैरह देख सकते हो, रेस्पॉन्स। हाँ जी, टच रेस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा है भाई। हमने 360 में तो हमने रिवर्स कैमरा देख चुके हैं, तो वैसे भाई एक बार गियर मार के भी देख ही लेते हैं, वैसे ही आ रहा यार ये तो बहुत तगड़ी, कोई वैसे खटफट वाला नहीं आ रहा जैसे नहीं, तुम नहीं, लगाते नहीं, हो नहीं, नहीं। सस्ते वाले कैमरे 500 वाले वो तो सस्ते वाले में थोड़ा कम ही रहता है। उसके अलावा इसमें हमने आगे JL ऑडियो का कोएक्सियल इंस्टॉल किया है, और पीछे वो मैंने देख लिया JL ऑडियो के कंपोनेंट में। जी जी, चलो भाई ठीक है। हाँ जी, अब गाड़ी करते हैं भाई समाप्ति, तो एक बार चलते हैं बाहर। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, कस्टमर कहाँ है? कस्टमर भैया जा रहे हैं। हाँ जी, वो आना नहीं चाहते हैं। नहीं तो फिर काम कैसा हुआ फिर? बढ़िया काम तो बढ़िया ही किया, बाकी आपने देख ही लिया रिस्पॉन्स वगैरह। ओके ठीक है, तो फिर मजा आ गया गाड़ी में काम। हाँ जी बिल्कुल। आपको कैसा लगा गाड़ी में आपने काम किया? नहीं, काम हमने जो किया है इसमें थोड़ा, यानी कि अलग किया हमने इसमें कई चीज़ें। ओके, तो ये जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट था उस हिसाब से हमने इसमें काम किया है। ठीक, घूम क्यों रहे हो? तो कस्टमर का जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट था उस हिसाब से हमने काम किया है। तो जो कस्टमर डिमांड किया है वो हमने सारा अवेलेबल करवा के लगवा दिया। ओके, तो हमें भी पर्सनली ये अच्छा लगा, इसका जो हेडलैम्प वगैरह का भी व्यू था वो जबरदस्त था, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी ओके, जो हमने पिछले बार में भी हमने लगाया था, तो उससे हमने इसमें थोड़ा नेक्स्ट लेवल काम किया है। और कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया? इसमें भैया 1.5 लाख के समथिंग। 1.5 लाख में गाड़ी टॉप मॉडल बन गई? हाँ जी बिल्कुल, टॉप से भी ऊपर बन गई है। क्या बात है भाई, मजा आ गया फिर। हाँ जी, वर्थ हो गया पूरा पैसा। हाँ जी, तो एक बार अपनी लोकेशन बता दो प्यारी सी। करोल बाग अब्दुल अजीज रोड 16/1, अपना नियर बाई है यहाँ पे करोल बाग बीकानेर वाला। ओके हाँ जी, तो एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। 8802693557। एक बार रिपीट कर दो। 8802693557 कर दे फिर एंडिंग। हाँ जी, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ओके टिल देन बाय, चंगा जी।